गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी दूर सुन रही, दुआएं दे रही मेरी माँ, मेरी बहने, प्यारे बच्चों, अपन ने जो यू स्वागत करो, आपको बहुत शुक्रिया अदा करूं और सदा सुयापन को मेरे परिवार को प्यार मिल तो आयो है और अल्लाह की जात से दुआ भी करता हूं, इंशाल्लाह ताला ये प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। आज आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा एक उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा है, ये भी जिम्मेदारी जो बहन कुमारी मायावती जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो ये टिकट देकर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, भाई आकाश आनंद जी ने जो ये सौंपी है, ये आप लोगों की बदौलत है। ये आपकी जो आवाज थी, जो मेरे बड़े बुजुर्गों की, जो मेरे नौजवान साथियों की जो आवाज थी, जब वो उन तक पहुंची तो उन्होंने मुझे उसी वक्त एक घंटे में जब गुड़गांव बुलाया, चौटाला साहब ने टिकट देने का काम करा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, या पूछेगा उनसे, हमारा इड़ो रोड, अलवर का जो फोर लेन रोड है, हमारा रोड कहां गया? मेरे भाइयों ये पूछना है आप लोगों ने, इसका जवाब चाहिए। उस वक्त ये रोड अलवर तक पास हुआ था, ये हमारा रोड कहां चला गया? आज भी हादसे होते हैं इस रोड पे, डेली दो तीन घर के हादसे हो रहे हैं, डेली दो तीन घर बंद हो रहे हैं। आज तक भी हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जब ये आपके जमाने की बात है, ये आप जब कांग्रेस के पूरे पावर में थे तो ये रोड कहां चला गया? ये आपको जवाब मांगना पड़ेगा उनसे, आपको अपने रोजगार का जवाब मांगना पड़ेगा कि कच्ची नौकरी भी कहीं रोहतक वहीं से कोई आत्मीकरण हुआ करो, इन तो कच्ची नौकरी में भी हिस्सेदारी नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो आप बता दीजिए, ये उनसे जवाब मांगना। और फिर भाई देवाद हमारे पानी की बड़ी समस्या है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री होते हुए देवात में रेनी वेल की परियोजना लाया हो, भाई खुदा के कुछ और मंजूरी हो, सरकार चलेगी, हुकूमत चलेगी, कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद जो रेनी वेल की परियोजना थी वो भी हमारी कहीं और चली गई, हमें मेवात को नहीं मिली। अगर मेवात में सही तरीके से आई होती तो आज पानी की परेशानी नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पूछने की जरूरत है उनसे। और इन पांच साल में चला जाओ, अभी जैसे वो सब पहले बता रहे कि भाई साल के 5 करोड़ रुपया मिला एमएलए फंड में और 5 साल को हो गए 25 करोड़ रुपया, तो आप हिसाब दें कि उस 25 करोड़ रुपए से आपने क्या विकास करवाया है? ऐसा तो होना कोई फूको टूटाओ कि भाई अब तो पिछली सरकार में खूब पैसा मिला और यहां गांव को तो एक ईंट भी ना मिली, एक ईंट भी नहीं लगी। तो मेरे नौजवान साथियों ये आपको पूछने की जरूरत है कि आप कहां थे इन 5 सालों में? झूठ बोल रहे थे, भाई को भाई रड़ाने की तैयारी कर रहे थे और कोई भाई नोके है कि तो बेचारों विपक्ष में हो, ये गलत बात है, बरगलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में तो इत्तेफाक की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चौधरी जाकिर हुसैन भी एमएलए बन के गए हो, विपक्ष में रहते हुए चाहे कोटला झील का काम करवाया हो और चाहे जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कांग्रेस विधायक के टाइम पे जब ये मंत्री हो वह टाइम 40,000 ड्राइवरन के लाइसेंस रद्द करे गए हैं अनपढ़ता के नाजायज काले कानून लगाकर, चौधरी जाकिर हुसैन ने विपक्ष में रहते हुए काम करवाया। और नहरी पानी पे आ जाओ, नहरी पानी के बारे जब कांग्रेस की जब सरकार ही, जब यहां मंत्री के पे आप जाते रहे तो आपको कानून पढ़ा दे गए हो कि भाई ये तो ड्रेन है, इनसे तो पानी निकले आवे ना है। दिल में एक जज्बा होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए, कुछ इलाके की कुछ खिदमत के लिए मन में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे भी कुछ करना है इस इलाके के लिए। चौधरी जाकिर हुसैन ने विपक्ष में रहते हुए
नहरी पानी पूरे मेवात में और खासकर मऊ में लायो, लायो कि ना लायो आप बता दो। ये काम तो उन्होंने विपक्ष में करते हुए, और आप जरूर मेरे नौजवान भाइयों आपके बीच में जब ये आएंगे तो आप जरूर पूछिएगा कि आपने हमारे लिए 15 साल में 10 साल विधायक होते हुए आज क्या करा आपने। आज हमें बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। पीछे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से एक पत्रकार ने पूछी कि भाई अगर जो कोई रली मिली ऐसे कोई मिली जुली सरकार सी आ गई फिर आप क्या डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे। तो चौधरी अभय सिंह ने एक ही बात कही, ना तो डिप्टी बनेंगे ना 50 बनेंगे, 100 के 100 हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और चौटाला परिवार से नजदीक मेवात के लिए कोई हितेशी नहीं है, चाहे मरूम चौधरी देवीलाल की बात हो जो एक पौधा उन्होंने लगाया 100 रुपया पेंशन को। आज चौधरी अभय सिंह ने कह दिया है कि जो बुजुर्ग पेंशन है जो पेंशन है वह आपके 7,500 रुपया करेगा। और मेरे भाइयों नौजवान साथियों आपके जो रोजगार की बात है, आपका भाई यहां से एमएलए बन के जाएगा। और चौधरी अभय सिंह ने विशेषकर खास तौर पे एक बात कह रखी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी नौकरियों में आपकी दफे मेवा की युवाओं की भी विशेषकर हिस्सेदारी होगी, प्राइवेट कर्मी हो चाहे सरकारी कर्मी हो। आज हमारी एक नई सोच है मेरे भाई, आपका बेटा आपके बीच में खिदमत करने की नीयत से आया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पीने का पानी हो, यहाँ पर रोड हो, बिजली हो, मेरी माओ बहनों को बहुत परेशानी आती है। मैं भाई आप लोगों से अपील करता हूँ कि एक एक जो देने के घंटा बहुत कीमती है, आप 5 अक्टूबर तक ऐसे ही लगे रहो, इंशाल्लाह ताला 5 अक्टूबर के बाद पूरे 5 साल आपको भाई आपको बेटा आपके बीच में रहेगा और ही रहेगा। और कोई फोन इन की बात है बस दिन में फोन करियो और दिन में बतलायो, चाहे काम करियो चाहे बेकाम करियो, जैसे मन करे खूब फोन इन उठाऊंगा इंशाल्लाह। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज हमें एक एक वोट पे मेहनत करने की जरूरत है। इंसान गलतियों का पुतला हो, इंसान से ही गलती हो, आप जाने अनजाने कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मैं भी माफी मांगता हूं, हम अपने भाई को राजी करें। और कोई अगर गलत फहमी का शिकार है तो उसे गलत फहमी दूर करने का काम करें। मेरे भाई मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करता हूं कि एक एक वोट को जोड़ने की जरूरत है, अपने भाई ये प्यार से राजी करा, अपने भाई ये बनावा, एक एक वोट की बहुत सख्त जरूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने ये एक तरफा चुनाव कर रखा है, ये आप लोगों की मेहनत की बदौलत है, मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत है, मेरे नौजवान साथियों के विश्वास की बदौलत है, मेरी माओ मेरी बहनों